मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा मालिक नाराज हो जाएगा। विक्की बाबू, बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए। क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको। ओहो, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां है? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए, अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख, मैदान सफर चट। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना? नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं, जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है। बड़ी लड़की, वो बाकी की चार जो हमारी बहनें हैं उनका क्या होगा? वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। हाँ, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। मुंशी जी, ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो। दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है, क्या शेर कहा है आपने, बड़ा वजन है इस शेर में, और लगे हाथ हमें नथुलाल जी का भी वजन कम कर देना चाहिए। हैं सक्सेना साहब, जरा सुनिए जी, हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी पांच बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं, कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे। नहीं सरकार, ऐसी बात मत कहिए, मेरे सारे खानदान की उम्र आपको लग जाए। अरे उठिए 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 नथुलाल जी, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें। लेकिन नथुलाल जी, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। क्यों चलो बट ठीक है हमने। यस सर। यस सर, ये इतनी दबी हुई आवाज क्यों मिस्टर लोबो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? छोटे मालिक, हमारी मदर बहुत सीरियस है, डॉक्टर बोला कि बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ। हम ये बात कई बार बड़े मालिक से बड़े बड़े मालिक बड़े मालिक से क्यों, तुम ऑपरेशन कराओ? कहां से कराएगा सर, डॉक्टर 20 हजार रुपए मांगता है, हम अपनी अखिल लाई का फंड जमा करेगा तो 20 हजार रुपए जमा नहीं कर सकता। मिस्टर लोबो, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, अपनी अपनी मदर से जाके बोलो कि अभी उसका सन जिंदा है, वो ट्रीटमेंट कराएगा। सक्सेना साहब जी, देखिए मिस्टर लोबो को 40 हजार रुपए दे दीजिए। लोबो तुम जाओ ट्रीटमेंट करवाओ अपनी माँ का। थैंक यू सर। लेकिन अपनी माँ से बोलना कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड है ना, उससे हमारे लिए दुआ मांगे। यस सर। तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुनिया मिल गई। यस सर। हमें दुनिया मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के बोलेगा कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमन, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। कपूर साहब, अब तो हद हो गई, बुलाई ना विक्की साहब को। अरे भाई बगाड़िया सेठ, अब तो हमें विक्की बाबू के कुछ